दोस्तों, जी टीवी के मशहूर शो कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा की बहन बुलबुल का किरदार निभाकर लाखों करोड़ों लोगों की धड़कन बनने वाली अभिनेत्री मृणाल ठाकुर आज छोटे से पर्दे से लेकर बड़े पर्दे का एक मशहूर चेहरा बन गई हैं और इसलिए आज इनकी गिनती टीवी इंडस्ट्री की हाई पेड एक्ट्रेस में की जाती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि टीवी से लेकर बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने बॉलीवुड के एक मेगा स्टार के साथ काम करने का मना कर दिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि टीवी से लेकर बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने बॉलीवुड के एक मेगा स्टार के साथ काम करने के ऑफर को ठुकराया है। जी हाँ, सही सुना आपने, बॉलीवुड के मेगा स्टार के साथ मृणाल ठाकुर काम करने के प्रपोजल ठुकरा चुकी हैं। आखिरकार कौन है वो मशहूर अभिनेता और क्या थी वजह इतने बड़े स्टार के साथ फिल्म में काम ना करने की? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार प्लस के मशहूर शो हर युग में आएगा एक अर्जुन से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने इस शो में इतना जबरदस्त किरदार निभाया कि इन्हें टीवी के लोकप्रिय शो कुमकुम भाग्य में काम करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने प्रज्ञा की बहन बुलबुल का किरदार निभाया। यही नहीं बल्कि अभिनेत्री मृणाल ठाकुर की काबिलियत के दम पर इन्हें बड़े पर्दे पर भी बॉलीवुड के एक मेगा स्टार के साथ काम करने का गोल्डन चांस मिला था। पर बावजूद इसके इन्होंने उस अभिनेता के साथ काम करने का प्रपोजल एक ही पल में ठुकरा दिया और वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर अभिनेता आमिर खान है। जी हाँ, आमिर खान ही है वो अभिनेता जिनके साथ काम करने से मृणाल ठाकुर ने एक ही पल में इनकार कर दिया। दरअसल बता दें कि आमिर खान के साथ फिल्म में काम करने के पीछे इनके दो कारण रहे हैं। पहला तो ये था कि जब मृणाल ठाकुर को आमिर खान के ऑपोजिट फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान में काम करने के लिए निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने कांटेक्ट किया तो उससे पहले ही अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने लव सोनिया फिल्म के प्रपोजल को साइन कर लिया था। इसी के साथ ही अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट बाटला हाउस फिल्म के प्रपोजल को भी साइन कर चुकी थी। और वहीं दूसरा कारण ये रहा कि जब फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने इन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई तो इन्हें पता चला कि अभिनेता आमिर खान के साथ इन्हें कई इंटीमेट सीन्स भी करने थे जो कि ये कभी नहीं करना चाहती थी। इन्हीं दो वजहों को देखते हुए इन्होंने मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ फिल्म में काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद ये किरदार अभिनेत्री फातिमा शेख को ऑफर हुआ और उन्होंने अभिनेता आमिर खान के साथ इस फिल्म में काम किया, कई इंटीमेट सीन्स दिए, पर आज भी इन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मृणाल ठाकुर को आमिर खान के साथ इस फिल्म में काम करना चाहिए था या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।